नमस्ते, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आज हम मैथमेटिक्स पर क्लास थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं? डिवीजन हमने शुरू किया था लास्ट टाइम, और इस डिवीजन को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमने की थी, माइनस करके सीखने की कोशिश की थी। आज हम सीखते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो उस डिवीजन में कौन कौन सी टर्म होती है, किसको हम क्या क्या कहा करते हैं, ठीक है ना? तो देखते हैं, अब डिवीजन जब हम लोग करते हैं तो डिवीजन जब हम लोग करते हैं तो किस किस तरीके से कैसे डिवाइड करते हैं? देखते हैं कुछ इस तरह का निशान लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं ना बच्चों, कोई नंबर यहां लिखते हैं, फिर यहां लिखते हैं, और जितने का डिवाइड जाता है उसको यहां लिखते हैं। अब सबसे पहले आपने सीखना कि किसको हम क्या क्या कहा करते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर जिस चीज को हम बीच में लिखते हैं बेटा, उसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलोगे? डिवाइजर। और जितने ऊपर डिवाइड चला जाता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है? यानी मान लीजिए आपने 15 लिया और इस 15 को आपने 3 से डिवाइड किया, ठीक है? तो 15 कौन हो गया? डिविडेंड हो गया। 3 कौन हो गया? डिवाइजर हो गया। कितने पर डिवाइड चला जाएगा? 5 पर चला जाएगा, और ये 15 आ जाएगा मेरे पास। इसको क्या बोलते हैं? ये जितने पर डिवीजन हुआ ये समझिए ये ऊपर वाला पार हो गया, उसको वहां पर लिख लेते हैं, वहां पर लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है ना? तो यहां पर लिख लेते हैं उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है बच्चे? तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई डिवीजन अगर हम करते हैं तो जिस चीज को डिवाइड करना है वो डिविडेंड, जिस से डिवाइड करना है वो डिवाइजर, जितने पर डिवाइड चला गया वो क्वेश्चन, ठीक है ना? तो बस इसी बात को बेस्ड एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हमारे सामने है, चलिए उसके दो तीन क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे आपने 15 को 3 से डिवाइड किया था और यहां 5 पर चला गया, अब यहां पर एक एक्सरसाइज है, उसमें इसको सर्कल कर दिया गया और आपको पूछ दिया गया इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? दिस इज क्वेश्चन, इसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोर्ड। इसी तरीके से 24 को आपने 3 से डिवाइड किया, 8 पर चला गया, आपसे पूछा गया इस 24 को क्या बोल रहे हैं, आप जल्दी से बोल देंगे जो बीच में लिखा हुआ, क्या बोल रहे लिखा है? डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड, ठीक है ना? इसी तरीके से आपके पास 18 को 2 से डिवाइड किया, 9 पर चला गया, ये 2 किसे बोल रहे हैं? यहां बताया मैंने अभी आपको, दिस इज डिवाइजर। इसको क्या बोलते बोलते? डिवाइजर बोलते हो। आसान सी बात है ना? तो बड़ी आसानी के साथ ये चीज समझ में आ गई मुझे, और मेरी एक्सरसाइज जो है वो भी मैं बड़े आराम से कर पाऊंगा। कर लेंगे ना बच्चों? यस। अब आगे बच्चे पूछा जा रहा है आपसे रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, आप देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्स का मतलब उल्टे होते हैं। क्या लिखते हैं यहां पर? या लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब देखिए किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसको हम एक हमारे पास एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए
सक्सेस सब है, हमको देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है 7 × 8 = 56, यानी 7 और 8 का मल्टीप्लाई करें, यानी 7 का टोटल 8 तक करेंगे 56 आएगा आपके पास, आप बोलेंगे यस। अब अगर हम इसको डिवीजन के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये 56 क्या होता होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, आप बोलेंगे कि 56 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, चलिए 7 से करते हैं, किससे किया, इस 56 को इस 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, बेटा 8 आएगा। अब आप कहेंगे अगर मैं 8 से करता तो आप कहेंगे ये भी कर सकते हैं, इस 56 को आप इस 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। आसान की बात है, ये जो पहले 7 और 8 का मल्टीप्लाई करके हमारे पास 56 आया था, अब इस 56 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी इससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा, इस 56 को इससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही रिलेशनशिप मेरे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बीच में हुआ करता है। तो आइए हम इनको क्वेश्चन जवाब सीख लेते हैं आपके साथ। 8 को 2 से किया आपने, कितना आया, 16। अपना मैं 8 का टोटल पढ़ूंगा तो 2 तक पढ़ूंगा तो 16 आ जाएगा। अगर हम 16 को 8 से डिवाइड कर लें यानी इसे उस वैल्यू से डिवाइड करने को कितना लिखा होगा, आप बोले में 2 लिखिए। इसी तरीके से 16 को अगर आप बोले में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। आसान ना, तो ये चीज हमारे पास आ गया किसमें, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बीच में एक रिलेशनशिप। अब इसका उल्टा भी करके देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास यहां इस बुक के अंदर, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ 7 × 3 = 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप जानते हैं 21 आएगा। अब कहते हैं देन 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, अब सोचो जरा 21 को 3 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए, आप बोलेंगे 7 आना चाहिए। अब आप सुनेंगे इसी तरीके से 10 × 6 कितना आता है, आप बोलेंगे 60 आता है। देन 60 को आप डिवाइड कीजिए इस 6 से, कितना आना चाहिए, आप बोलेंगे 10 आना चाहिए। द रिजल्ट इज 10 है। आसान बात है ना, बिल्कुल आसान, ठीक है। आगे आपसे करता है कि क्वेश्चन और है जो कि थर्ड क्वेश्चन है आपके इस बुक के अंदर, वह कहता है यूज द मल्टीप्लीकेशन टेबल टू फिल द ब्लैंक्स, 32 को डिवाइड करो 8 से, ठीक है। लेकिन जब तो मल्टीप्लीकेशन का टेबल यूज करो, अब मल्टीप्लीकेशन का जो जो हम टेबल हुआ आपको याद है, 32 का तो याद नहीं, आपको 8 का टेबल जरूर आता, तो 8 का टेबल आप बोलना शुरू कीजिए, तो आप 8 का टेबल जब बोलना शुरू करेंगे लेकिन लेकिन तो 8, 16, 24 और 32, 8 के टेबल में 32 कितने नंबर का आएगा, 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब 32 को यानी 8 के टेबल में 32 जो है वो फोर्थ प्लेस पर आने वाला है, इसलिए 32 को 8 से डिवीजन करने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4। ऐसी चीजें कौन सिखाता हूं, 45 को 9 से, अब 9 का टेबल भी आता होगा आपको, तो 9 का टेबल अगर मैं बोलूं तो 9 का टेबल कैसे लिखेंगे, 9 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 34, 9 × 5 = 45, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो फिफ्थ प्लेस पर आया, तो 45 को 9 से आपने जब डिवाइड किया तो व्हाट यू गेट, दैट इज 5। आसान ना, तो इस तरीके से आप डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में एक रिलेशनशिप पता लगा सकते हैं। इतना रहने के बच्चों, ये सब वीडियो आपके, थैंक यू वेरी मच।